Hello friends, this is Rahul. Welcome back to Kate's Tailors AutoCAD tutorial series. So friends, आज इस tutorial में हम बना के देखेंगे soap case, जो कि इस तरह से दिखाई देता है. ये देखिए, ये soap case हमारा इस तरह से दिखाई देता है. तो आइए सबसे पहले इसकी drawing check कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, top view, उसके बाद हमारे पास है front view और then हमारे पास है side view. और इसके साथ ही ये जो हमारे पास supporter आ रहा है, इसकी डिटेल व्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है. ठीक है, तो आइए हमें किस तरह से बनाना है स्टार्ट करते हैं इसे. देखिए, मेरे पास मेन पोर्शन जो रहेगा वो ये वाला रहेगा. ठीक है, मैं यहाँ से ये सारी ड्राइंग बनाने के बाद इसे 35 mm एक्सट्रूड कर सकता हूँ और उसके बाद टॉप प्लेन से उसे 0.5 mm शेल करने के बाद यहाँ से ये जो मेरे कट्स है इनको मैं कट लगा सकता हूँ, जिस तरह से हमें ये देखिए डिजाइन में दिख रहा है. ये हमारे पास सेंटर में कट आ रहे हैं, इनको भी हम लगा सकते हैं टॉप व्यू से. टॉप लेंस में हमारे पास ये चीज आ जाएगी और उसके साथ ही हमारे पास साइड व्यू से ये कट आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस तरह से दिखाई दे रहा है. ये देखिए, ये साइड से हमारे पास ये कट आया, तो हमने साइड से वो वाला कट लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये डिटेल्ड व्यू. डिटेल व्यू किसकी है, जो हमारे पास सपोर्टर आ रहा है. तो 0.25 उसका रेडियस आ रहा है और डाया कितना आ रहा है, 1 mm का डाया आ रहा है. और एंड से हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 3 mm का सेंटर तक और देन उसके बाद 10 mm का ड्राफ्ट एंगल भी लगा हुआ है इसमें. ठीक है, तो आज हमारे पास मेन काम रहेगा ड्राफ्ट एंगल देखना कि ड्राफ्ट एंगल हम किस तरह से लगाते हैं. सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है, एक 5 mm का सर्कल दे रखा है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्कल लेने के बाद इसे एरे कर दूंगा तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल आ जाएंगे. देन उसके बाद मैं यहाँ पे फिलेट लगा लूंगा जो दे रखी है यहाँ पे 1.5 mm की. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 mm का. तो ये चीज हम बना लेते हैं पहले. और यहाँ से मेरे पास एक लाइन भी दे रखी है 5 mm की, यहाँ से भी दे रखी है. तो इनको ज्वाइन करने के बाद ये चीज भी बना लेंगे, जिसका हमें डिस्टेंस दे रखा है 25 mm और इसकी डेप्थ कितनी दे रखी है, 2 mm. तो हम ये चीज बना लेंगे सबसे पहले. तो मैं यहाँ पे न्यू ड्रॉइंग ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से ग्रिड व्यू ऑफ कर लूंगा. सो मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा सी एंटर 0.0 और 5 का सर्कल आ जाएगा मेरे पास. देट एंटर, ए एंटर करेंगे, जूम ऑल हो जाएगा. ये देखिए 5 mm का सर्कल है. तो अब ये सर्कल मेरे पास आ चुका है. अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और 1, 5 मुझे 5 सर्कल चाहिए. तो मैं यहाँ पे एरे यूज कर सकता हूँ, सिलेक्ट द सर्कल एंटर, देन सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर एरे. अब ये तो यहाँ पे इसको मैं काउंट सिलेक्ट करूंगा, काउंट में मुझे चाहिए कितने, 5 कॉलम्स. कितने चाहिए, 5 कॉलम्स होते हैं ये वाले. ठीक है, तो मुझे 5 कॉलम्स चाहिए. और रोज कितनी चाहिए, रोज ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल, तो मुझे 1 रो चाहिए. और उसके बाद स्पेसिंग चाहिए, मुझे स्पेसिंग कितनी चाहिए कॉलम्स के बीच में, 10. वहां पे हमने देखी थी 10 mm इसका डिस्टेंस आ रहा है और रोज का डिस्टेंस मैटर नहीं करता है बिकॉज मेरे पास रोज ही एक है. ओके, इसको एस्केप करेंगे. ये देखिए मेरे पास ये आ चुका है. ठीक है, इसके बाद इसे एक्सप्लोर करेंगे, एंटर, एफ एंटर, आर एंटर, 1.5 का एक फिलेट लगाएंगे, एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स. ये देखिए सभी पे फिलेट जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे. देन मेरे पास एक लाइन आ रही थी यहां से 5 mm की, कीप द ऑर्थ ऑन, और यहां से 5 mm की लेंथ ले लेंगे हम. देन अगेन मेरे पास एक लाइन आएगी यहां से, वो भी 5 mm की आएगी और इसे ज्वाइन कर देंगे हम यहां से. इसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रिम कर देंगे यहां से लेकर यहां तक सभी ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रिम कर देंगे इस तरह से. ओके, उसके बाद हम करेंगे ऑफसेट 2 mm इस लाइन को. देन सेंटर लाइन से मैं एक लाइन लूंगा यहां तक और उसे 12.5 mm ऑफसेट कर दूंगा दोनों साइड, बिकॉज मुझे 25 का डिस्टेंस चाहिए और जो मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है उन लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा और इरेज कर दूंगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे पास ये चीज कंप्लीट हो गई है. मैं इसे क्या करूंगा, ज्वाइन कर लूंगा. ज्वाइन नहीं भी करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्वाइन करने का एक बेनिफिट ये है कि अगर मुझे 3D में से स्केच डिलीट करना है तो मैं इजिली डिलीट कर सकता हूँ. अदरवाइज आपको हर एक स्केच को सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से
ये मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे एक्सट्रूड कर लूंगा। तो अब इसे कितना एक्सट्रूड करना है, देखिए 35 mm इसे एक्सट्रूड करना है। तो मैं इसे प्रेस पुल कर लूंगा या एक्सट्रूड कर लूंगा। सो यूज प्रेस पुल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर और गिव द वैल्यू 35 mm। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स मेरे पास ये आ चुका है। कंसेप्चुअल व्यू में चेक कर लेते हैं एक बारी। सो इस तरह से आपके पास ये बॉडी आ चुकी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 0.5 mm का शेल दे रखा है। सो शेल होने के लिए मेरे पास एक प्लेन फेस होना चाहिए, जिसको मैं ऊपर से भी रिमूव कर सकूं और साइड से भी मेरा वो प्रॉपर रिमूव हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, उसे ऑफसेट करना पड़ेगा। इस तरह से 2D वायर फ्रेम में चले जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन को XY प्लेन पे फिक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक एक रेक्टेंगल आ गया। इसे ऑफसेट करेंगे 0.5 mm। सो इस तरह से आपका ये ऑफसेट हो जाएगा। मैंने इसे रोटेट करके देखते हैं मेरा स्केच कहाँ बना है। देखिए मेरा स्केच जो है वो यहाँ पे बना है, ठीक है। तो मुझे इसे मूव करना पड़ेगा। सो यहां तक मैं इसे मूव कर लूंगा स्केच को, और यहां से मैं प्रेस पुल करूंगा, यहां तक मेरा प्लेन हो जाएगा टोटली, ठीक है। सो मैं इसे क्या करूंगा, मूव करूंगा स्केच को, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर एंड देन सिलेक्ट द एंड पॉइंट और कीप द ऑर्थो ऑन। सो यहां से यहां तक मेरा कितना हो जाएगा, टोटल कितना 5 mm का डिस्टेंस है, और ये वाला पोर्शन मेरा कितना था 2 mm का। सो इसको मैं 3 mm वैल्यू दे दूंगा, यहां तक ये मेरा मूव हो जाएगा स्केच। तो फ्रेंड्स यहां से मैं इसे प्रेस पुल कर सकता हूँ। अभी सिलेक्ट दिस स्केच और इसे प्रेस पुल कर दीजिए दिस डायरेक्शन, और इसे अब कंसेप्चुअल व्यू में चेक करते हैं। देखिए इस तरह से आ रहा है। सो मैं इसे अब सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट द मेन बॉडी, सिलेक्ट द टेम्परेरी बॉडी और इसे यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। सो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे नई चीज सीखोगे कि हम शेल किस तरह से करते हैं। मैंने अभी तक अपने ट्यूटोरियल्स में शेल नहीं बताया आपको, और ना ही ड्राफ्ट एंगल बताया। तो आप दोनों चीजें यहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शेल करेंगे इस तरह से। सो पूछ रहे सिलेक्ट 3D सॉलिड, सो मैंने 3D सॉलिड सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज है, रिमूव फेसेस और अंडू एड और ऑल। तो रिमूव किस फेस को करना है, हमें इस फेस को करना है। ओके एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है द शेल ऑफसेट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 0.5 mm। ओके करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये मेरा शेल कंप्लीट हो गया। देखिए ये वाला कर्व भी यहाँ से आ रहा है, इट मींस हमारा जो शेल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, साइड प्लेन उठाएंगे। देखिए ये वाला फेस उठाएंगे और इसे हम XY प्लेन पे फिक्स कर देंगे। अब साइड से हमें ये चीज बनानी है और ये चीज रिमूव करनी है, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम 2D वायर फ्रेम में ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं सेंटर से बिल्कुल ही। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया है, अगर आपका 3D बॉडी के ऊपर मिड पॉइंट या एंड पॉइंट या कुछ भी शो नहीं हो रहे, तो आप शिफ्ट प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएंगे जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट शो करवाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट आ चुका है। सो मैं यहाँ पे 2 mm इसकी वैल्यू ले लूंगा, बिकॉज यहाँ से इसकी डेप्थ जो है वो मेरी 2 mm ही है, इसके इक्वली आ रही है, ठीक है। सो यहाँ से अभी मेरे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 20 mm की लेंथ है मेरे पास। देखिए यहाँ पे 20 mm की लेंथ है, तो सेंटर से मैं 10 mm यहाँ पे ले लूंगा, देन यहाँ से इस तरह से ये रेक्टेंगल मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो यहाँ से मैंने 10 mm वैल्यू ली और यहाँ से मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ 5 mm की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगेन मेरे को 20 और यहाँ पे अगेन मैं इसको 5 mm ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ अगेन 10 mm प्रेस करके। ओके सो एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। सो इस पार्ट को मैं ज्वाइन कर लूंगा, ये लाइन आ रही है मेरे पास, तो ये मेरी ज्वाइन हो गई है। सो इसे अभी हम रोटेट करेंगे, तो इस तरह से रोटेट करने के बाद मेरे पास ये स्केच आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये स्केच मेरे यहाँ तक आ रहा है फ्रेंड। तो मैं क्या करूंगा, अभी से थोड़ा सा बाहर को मूव कर लूंगा और यहाँ से एक ही बार में से प्रेस पुल कर दूंगा। सो मैं इसे मूव करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर और यहाँ से मेरे पास
इसका एंड पॉइंट आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये देखिए। सो कीप द ऑर्थो ऑन, तो यहाँ से मैं इसे बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे प्रेस पुल कर लूंगा। अभी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इसे प्रेस पुल कर लीजिए एंड सिलेक्ट द कंसेप्चुअल व्यू और इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए SUB एंटर। सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और आप देख सकते हैं ये चीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके सो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा पोर्शन रहता है वो रहता है सपोर्टर्स बनाने वाला और फिलेट लगाने वाला, ठीक है। सो मैं सपोर्टर्स बना लेता हूँ अभी। इसके बाद देखिए मुझे सपोर्टर्स बनाने हैं बॉटम पे। ये देखिए ये मेरे पास सपोर्टर आ रहा है, तो सपोर्टर का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। सो फ्रेंड्स अभी मुझे जो है ओरिजिन जो है या फिर यूसीएस है मुझे मूव करना पड़ेगा ताकि ये प्लेन आ जाए और यहाँ से मैं इसे एक्सट्रूड कर सकूं। ओके सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यूसीएस मेरा यहाँ पे आ रहा है, सो मुझे इसे मूव करना पड़ेगा। सो मूव करने के लिए देखिए वाई में तो डिस्टेंस मेरा कितना दे रखा है, 5.5 दे रखा है, ये वाली डायरेक्शन जा रही है ना डाउनवर्ड, तो मुझे यहाँ पे कितना करना है, 5.5 mm से मूव करना है। Z में कितना डिस्टेंस दे रखा है, देखिए ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है, 5 mm है। सो यहाँ से मेरा डिस्टेंस जो दे रखा है डिटेल व्यू में देख लेते हैं, 3 mm डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो Z में कितना डिस्टेंस हो गया मेरा, 3 mm। तो 3 mm कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ से 3 mm आना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसे 2 mm मूव कर दूंगा, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 mm। ओके इसके बाद मेरा x में कितना डिस्टेंस आएगा, x में देख लेते हैं। देखिए मेरे पास कितना है, 35 mm है, और यहाँ से मेरा जो ये स्पोर्टर्स आ रहे हैं उनका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 28 mm। सो 35 और 28 mm माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 mm। तो वन साइड कितना हो जाएगा, 3.5। सो इट मीन्स x में मैं कितना मूव करूंगा, 3.5 mm। ओके सो 3.5, y में 5.5 और z में कितना हो जाएगा, 2 mm। सो इसे हम मूव कर लेते हैं। सो गिव द वैल्यू x एक्सिस 3.5 और y में हम -5.5 करेंगे बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, और z में कितना हो जाएगा, 2 mm। तो इस तरह से हमारे पास फ्रेंड्स ये फाइनली यूसीएस मूव कर गया। देखिए ये डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है। ओके सो इसका बॉटम व्यू सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, इसको हम रोटेट कर लेते हैं। सो इसका यूसीएस जो है एक्स वाई एक्सिस पे फिक्स कर देते हैं ताकि ये हमारा प्लेन बन जाए। सो यहाँ से अगर हम 0.0 अप्लाई करें, देखिए ये हमारे पास यहीं पे आ रहा है सर्कल। ओके सो इसके बाद हमारे पास सर्कल कितने एमएम का है, 1 mm का है। सो इसका डाया कितना हो गया, 1 mm, रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 mm का। ओके तो इस तरह से आपके पास ये सर्कल आ जाएगा, ये देखिए। सो फ्रेंड्स इसे अभी हम प्रेस पुल करेंगे, प्रेस पुल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इसे अप टू द डिजायर्ड सरफेस तक हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। ओके सो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ड्राफ्ट एंगल अप्लाई करेंगे। अब ड्राफ्ट एंगल किस तरह से अप्लाई करते हैं हम, ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, टेपर फेसेस। सो टेपर फेसेस किस तरह से अप्लाई करेंगे पूछ रहे, सिलेक्ट द फेसेस। ओके सो हमने ये वाला फेस सिलेक्ट किया, देखिए फेस सिलेक्ट हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे अभी, एंटर, और ये पूछ रहा है बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, 0.0 हम अप्लाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन ये वाली दे दीजिए आप, कीप द ऑर्थो ऑन। सो डायरेक्शन आपकी डिजायर्ड चली जाएगी, ये वाली डायरेक्शन में इसको पिक कर लीजिए, एंटर। अब पूछ रहे टेपर एंगल, सो यहाँ पे टेपर एंगल कितना दे रखे है मेरे पास, 10 degree। सो मैं इसे 10 degree टेपर एंगल दे देता हूँ इस तरह से। सो आप देख सकते हैं ये मेरा टेपर हो चुका है। ओके सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे। सो फिलेट हमारे पास कितनी आ रही है, 0.25 mm की फिलेट आ रही है। तो फिलेट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द रेडियस 0.25 mm और यहाँ पे सिलेक्ट द एज, एंटर। सो इस तरह से आपके पास ये फिलेट भी आ जाएगी। ओके सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इसमें एरे अप्लाई करेंगे। सो AR एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर एरे, और यहाँ पे काउंट्स ले लेंगे हम। काउंट्स कितने आएंगे हमारे पास, दोनों तरफ हमें दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। सो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, एक साइड में हमारे पास 44 mm का डिस्टेंस आ रहा है और दूसरी साइड हमारे पास 28 mm का डिस्टेंस दे रखा है।
सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये सपोर्टर्स भी बन जाएंगे, एस्केप कर दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो इसके बाद अभी आपके पास क्या लेफ्ट रहता है, और एक चीज आपके पास और रहती है, आपने ये चीज भी बनानी है, ठीक है। सो ये चीज किस तरह से बनाएंगे, हम टॉप प्लेन पे चले जाते हैं, ये प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक्स वाई प्लेन पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेक्ट द 2D वायर फ्रेम, देखिए डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, ये 3 mm का दे रखा है और सेंटर पे दे रखा है मेरे को, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसके मिड पॉइंट से लाइन लेके इसे ऑफसेट कर दूंगा 1.5 1.5, और यहां से भी एक लाइन लेके इसे 12.5 12.5 ऑफसेट कर दूंगा, ये चीज बन जाएगी। और इसमें हम फिलेट लगा लेंगे 0.5 mm। ओके सो इस तरह से फ्रेंड्स इसे हम बना लेते हैं। सो लाइन सिलेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट इसका सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट नहीं आएगा तो आपको पता ही, आपने मिड पॉइंट किस तरह से सिलेक्ट करना है। ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट, तो यहाँ से हमने कितना डिस्टेंस लेना है इसका, तो अभी तो डिजायर डिस्टेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफसेट ले लेंगे इसका 12.5 12.5 बोथ द साइड्स, ठीक है। सो इसके सेंटर पे एक लाइन लगा लेंगे हम, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, और इसे ऑफसेट कर लेंगे हम 1.5 1.5 mm बोथ द साइड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, इसमें हम फिलेट अप्लाई कर लेंगे और सेंटर वाली लाइन को पहले इरेज कर लेते हैं, और इसे भी हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया, इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि फिलेट जो लगे वो एक ही बार में लग जाए। जैसे कि मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बता रखे है, पॉली लाइन अगर आपके पास है रेक्टेंगल में, तो आप एक ही बार में उसमें फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम फिलेट अप्लाई करेंगे और पॉली लाइन सिलेक्ट करेंगे और रेडियस अप्लाई करेंगे, रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास 0.5 mm का फिलेट आ रहा है, और पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये हमारे पास पॉलीलाइन बन चुकी है। ओके सो इस तरह से हम इसे अब एरे कर लेंगे, एआर एंटर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और रेक्टेंगुलर आ रहा है तो रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास काउंटिंग्स आ रही है तो काउंट सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम्स कितने चाहिए हमारे पास 5 चाहिए, रोज हमें चाहिए 1, तो इस तरह से आ जाएगी आपके पास, और स्पेसिंग चाहिए हमें, स्पेसिंग कितनी आ रही है। सो हमें डायरेक्शन अभी चेंज करनी है, तो चेंज के लिए हमारे पास अगर जैसे 4.5 आ रहा है तो हम इसका डिस्टेंस चेंज कर देंगे -10.5 वैल्यू ले लेंगे इसकी। ओके सो आप इस तरह से देख सकते हैं ये हमारे पास एरे भी कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम प्रेस पुल कर लेंगे कंसेप्चुअल व्यू में जाके। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास अगर प्रेस पुल नहीं हो रहा है तो आपने एक्सप्लोर कर लेना सबसे पहले, उसके बाद आपने प्रेस पुल अप्लाई करना है। ओके जैसे ये एक ही साथ में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्रेस पुल सिलेक्ट करना है। सो इस तरह से जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहे, सो इट मींस आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लोर कर लेना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर। तो आप देख लीजिए अभी प्रेस पुल अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये चीज मेरी अप्लाई हो रही है। इस तरह से आपके पास ये सारे प्रेस पुल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी को, सो SUB एंटर, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स अभी आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी 1 mm की फिलेट देनी है, तो अंदर और बाहर साइड हम फिलेट दे देंगे। सो फिलेट हम कैसे देंगे, देखिए फिलेट में हमारे पास सबसे पहले हमें चेन सिलेक्ट करनी होगी। चेन किस तरह से, देखिए अगर यहाँ पे अंदर वाली साइड आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एरिया ही सिलेक्ट हो रहा है, मुझे पूरी की पूरी एक बार में सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप इसको 1 by 1 सिलेक्ट करते रहेंगे, काफी टाइम लग जाएगा। सो चेन सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट द एज, और आप देख लीजिए ये सारी की सारी एक ही बार में सिलेक्ट होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम रेडियस कितना दे देंगे, 1 mm का रेडियस दे देंगे, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। आप ये वाली एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये भी चेन में आ जाएगी। ओके सो इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कीजिए, और इस तरह से आपके पास ये फिलेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो इसके साथ अभी हम अगेन फिलेट लगा लेंगे, सो सिलेक्ट द चेन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एज सिलेक्ट करेंगे, सो आप देख लीजिए ये भी एज सिलेक्ट होगी। अगेन हम एज सिलेक्ट करेंगे दूसरी साइड भी। ओके सो इस तरह से आपके पास ये चेन आ जाएगी, आप इसे भी सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, तो यहाँ से भी आपकी फिलेट आ जाएगी। और इसमें हमें शेडेड व्यू चेक कर लेते हैं इसका, तो इस तरह से आपका ये शेडेड व्यू आ जाएगा। देन आप जो जो अनरिक्वायर्ड स्केचेस है उनको रिमूव कर लीजिए, और उसके बाद हम कलर करेंगे, और फाइनली आप इसका रेंडर निकाल के देख लीजिएगा।
अगर जिसको रेंडर नहीं निकालना आता है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रेंडर निकालना सिखाया था किस तरह से हम रेंडर निकालते हैं। सो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी थी, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके सो यहाँ से हम अभी इसका कलर चेंज करेंगे। तो सिलेक्ट द लेयर एंड सिलेक्ट द कलर पैलेट, और इसका कलर चेंज कर देंगे। मान लीजिए मैं इसका ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके तो आप इसका कोई भी डिजायर्ड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको बनाएंगे और इसका रेंडर भी निकाल के देखेंगे। तो इसका मैंने एक रेंडर इमेज निकाल के रखी हुई है, ये देखिए, ये मेरे पास एक रेंडर इमेज इसकी निकली हुई है, काफी हाई क्वालिटी की है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पे एजेस कितनी, ये देखिए एजेस में कितने सारे मार्क्स आ रहे हैं, जिगजैग्स आ रहे हैं, है ना, कितने सारे जिगजैग्स आ रहे हैं और कितने सारे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, सो ये सारी चीजें आपको रेंडर में नहीं देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये मेरा रेंडर इमेज है, इसे चेक कीजिए, एजेस से एजेस हमारी कितनी क्लियर दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसका रेंडर भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे हम सॉलिड वर्क्स में भी बना के देखेंगे किस तरह से हम इसे सॉलिड वर्क्स में बनाते हैं, और उसमें हम इसकी मोल्ड आईज भी बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।